वन विभाग दुमका के बैनर तले हरनाकुंडी गांव के समीप नदी तट पर वृक्षारोपण सह जल शक्ति अभियान के तहत झारखंड के समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम के जरिए 12 किलोमीटर के रेडियस में 36,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि सृष्टि को बचाने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। वर्तमान में घटते भूगर्भ से जल को बचाने के लिए हर एक आदमी को वृक्ष लगाने की अपील की। कार्यक्रम के जरिए छात्रों को वृक्ष लगाने और पेड़ नहीं काटने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर वन विभाग के DFO सौरभ चंद्रा, CF सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बोलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी है और कल का भविष्य वही है। और अगर आज हम जिन चीजों का कर रहे हैं आज के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम की कर रहे हैं या सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम जिस पानी का उपयोग करते हैं वो पानी का लेयर हम कहेंगे, जिस धरती पर हम लोग चलते हैं उसके नीचे पानी है और उस पानी का लेयर कहीं ना कहीं घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और अगर पानी पूर्ण रूप से कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या इंसान, क्या मवेशी या क्या पेड़ पौधे जिंदा रह सकता है? क्या रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो आज का इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से जिम्मेदारी हम विद्यार्थियों के ऊपर देते हैं। आप जहां से भी आते हो, अपने गांव से, अपने घरों में, इस चीजों को जरूर बताना चाहिए कि हम किस तरह से पानी का रोकथाम, बरसात का जो पानी है उसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं।